वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, हम अपने डेली कन्वर्सेशन में अक्सर इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग बहुत करते हैं कि मैं यहाँ आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, या फिर वह यहाँ हम सभी से माफ़ी मांगने आया है, या फिर गाइस कुछ इस तरीके से कि गांव वाले यहाँ आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। तो गाइस, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर उस स्ट्रक्चर को सेंटेंस में यूज करके बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन को हिट करिए और गाइस बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। इसके लिए हमें सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हैज या हैव एज पर सब्जेक्ट, यानी कि सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो है, फिर उसके बाद आपका कम सी यू एम ई कम, ठीक है। फिर उसके बाद टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना। फिर उसके बाद टू, फिर सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। तो गाइज, हमारी वेबसाइट है इंग्लिश की लर्निंग डॉट इन, जिसपे कि आपको इस तरीके के ढेरों एडवांस स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, जो कि आपको डेली कन्वर्सेशन इंप्रूव करने में और दूसरों के ऊपर अच्छे इंप्रेशन जमाने में बहुत हेल्प करने वाले। तो एक बार गाइज जाके जरूर देखिए इंग्लिश की लर्निंग डॉट इन, लास्ट में डॉट इन है। ओके गाइज, आइए वाक्य देखते हैं। मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आया हूँ, कई बार इस तरीके का बोलना पड़ता है ना। तो आई हैव कम, ठीक हैव के साथ हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है वर्ड की, तो कम ये थर्ड फॉर्म है। कम केम कम, आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ आया हूँ टू अपोलोजाइज टू यू, आपसे माफी मांगने, ठीक है। आई हैव कम हेयर टू अपोलोजाइज टू यू। ओके गाइस, लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। वह यहाँ हम सभी से माफी मांगने आया है ना, फालतू में नहीं आया वो। तो ही हैज कम हेयर, ही क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे हमने हैज लगाया, हैज के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की कम। तो ही हैज कम हेयर टू अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ अस, हम सभी से, ठीक है गाइज। ही हैज कम हेयर टू अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ अस। तो गाइज, हमारा ब्लॉग है financialgyan.com, जिस पर कि आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इतिहास से संबंधित जानकारी मिल जाती है। एक बार आपके बहुत काम आ गया कि जरूर देखिए। उसकी प्रेम का यहाँ परिवार के सभी सदस्यों से माफी मांगने आई है, उसने जो भी गलत किया सही किया भैया उसके लिए माफी मांगने आई है। तो ही हिज गर्लफ्रेंड, या किसी और रिलेशन को भी लगा सकते हो, हिज बॉयफ्रेंड या हिज ब्रदर, ठीक है। हैज कम हेयर, क्योंकि सिंगुलर पर्सन है इसलिए हमने हैज लगाया है, थर्ड फॉर्म कम। ही हैज हिज गर्लफ्रेंड हैज कम हेयर टू अपोलोजाइज टू ऑल द फैमिली मेंबर्स, ठीक है, टू ऑल द फैमिली मेंबर्स। ओके गाइस, आइए एक और वाक्य देखते हैं। गांव वाले यहाँ आपसे माफी मांगने आए हैं, अपनी गलती पे पछता रहे हैं वो, है ना। तो विलेजर्स, गांव वाले, हैव कम हेयर, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल हो गया, विलेजर्स गांव वाले लगाया तो उन्होंने हैव लगा रहा है। विलेजर्स हैव कम हेयर टू अपोलोजाइज टू यू, ठीक है, विलेजर्स हैव कम हेयर टू अपोलोजाइज टू यू। तो गाइस, होपली आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वाले वाक्य की अंग्रेजी बना के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, वे यहाँ माफी मांगने आए हैं, ठीक है गाइस। होपली आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन को हिट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।